नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, घर पे अच्छे से कोविड से बचे हुए होंगे और अपने परिवार के साथ अपना टाइम और स्टडी को प्रॉपर रूप से टाइम दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि आप जो है एक अलग से सीरीज स्टार्ट कीजिए जो जीएस से रिलेटेड हो। जो HS वाले बच्चे हैं उनके या फिर HSSC या फिर SSC वाले बच्चों के बहुत सारे कमेंट मिले मुझे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं जो अभी जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये महेश कुमार बनवाल की बुक है, NCERT पैटर्न है, बहुत ही अच्छी बुक है ये। और जिन बच्चों ने अभी तक, मैं बात करूँ लुसेंट से, जो है एक बार ज्ञान लिया है या लुसेंट पढ़ी है अच्छे से, तो उनको तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी और बहुत ही अच्छी बुक है। क्वेश्चन की डिटेल इनमें काफ़ी अच्छी दी हुई है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको हम करना स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 1 है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके बताएं। तो आज फर्स्ट डे है, तो चलिए करते हैं इस मोटिवेशन के साथ शुरुआत। और इस जो पहला चैप्टर है ये भारत का संवैधानिक विकास है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 20 से 25 वो हम डिस्कस करेंगे 1-2 क्लासों के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो खैरात में मिलती है कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी के हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो हुनर की हम बात करें, आदमी जब भट्टी में तपता है, जब मेहनत करता है, तभी वो निखर के आता है। ठीक है, कोई भी आप आदमी उठा के देख लो, जिन्होंने मेहनत की है वो आज अव्वल पद पर है, उच्च पद पर है। तो आप भी ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? द्विसदनीय विधायिका किस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा, 1909 का, 1919 भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ज़्यादातर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिपेंड है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम पे है, लेकिन इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो द्विसदनीय, जिसको डार्की बोलते हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप का टू टाइप्स से जो आपको जो है एक शासन चलाना, हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो प्रशासन एक चलता, जो 1919 से 1935 तक तो चला था। तो यहाँ पर जो द्विसदनीय विधायिका बनाई गई वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है बनाई गई। ठीक है, राइट आंसर होगा इसमें सी। तो 1919 का जो अधिनियम था, भारतीय अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अनेक मतलब सुधार किए गए, काफ़ी सारे इसमें जो है सुधार किए गए। क्या क्या किए गए? एक तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, मतलब जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इलेक्शन की मैं बात करूँ तो उसकी शुरुआत की गई। महिलाओं को भी इसमें वोट डालने का जो है, मत डालने का अधिकार दिया गया। इसके और अलग जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की बात करें तो, हम UPSC की बात करें, लोक सेवा आयोग, इंग्लैंड में परीक्षाएं होती थी आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई, और इसी जो को जो अधिनियम को क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। UPSC का जो हमारे यहाँ अक्टूबर 1926 में जो है गठन हुआ, UPSC आपको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, हालांकि उसको हमने आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को अलग से इम्प्लीमेंट किया, लेकिन 1926 से में ये बन गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा आपसे पूछा जाए द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, इंग्लिश में इसको जो डायरकी बोलते हैं, ठीक है, DYARCHY, ठीक है, डायरकी, द्विसदनीय विधायिका। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसी में UPSC जो लोक सेवा आयोग की बात करें, इसकी शुरुआत हुई, गठन हुआ, और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार जो है की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, इंग्लिश में बोलूं तो मैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है,
फंडामेंटल जो राइट है, राइट्स हैं हमारे, वो कौन से देश से हमने ग्रहण किए हैं, मतलब कहाँ से हमने लिए हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देश के संविधानों से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाकर बनाया गया है। तो फ्रांस से लिए हैं, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर रसिया से। तो आप सबको पता है ये कहाँ से लिए हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से जो है हमने जो फंडामेंटल राइट का जो विचार है अमेरिका संविधान से हमने लिए हैं। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। ठीक है, हमारे भाग नंबर 3 में है ये मूल रूप से मूल अधिकार है जो, और अमेरिका के जो अमेरिका का होता है ना बिल ऑफ राइट्स, उसके समान है। ठीक है, समझ आ गया। तो कहाँ से लिए हैं, ये सिंपल पर्सन आ जाए तो, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस देश से लिए गए हैं, तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। समझ आ गया। राजनीति निदेशक तत्व आपसे पूछे तो वो कहाँ से लिए, हमने आयरलैंड से लिए, मूल अधिकार अमेरिका से ले लिए हमने। ठीक है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली हमने, भारत राज्यों का संघ है ये हमने कनाडा से लिया। तो ये आगे हम पढ़ते जाएंगे। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च पद है हमारे, हम बात करें तो राष्ट्रपति की, अभी रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो क्या हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राइट है। तो बात आइए कि राष्ट्रपति जो है उसको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति किस अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919, 35 या 1909, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी जो हम बात करें तो इसमें कौन सा अधिनियम है, आप कमेंट करके साथ साथ इसको बता भी सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो कौन से अधिनियम के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें क्या राइट होगा, बी राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है, इंग्लिश में अध्यादेश को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं ना, तो करने का जो अधिकार है, शक्ति है, वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो 1935 इसमें राइट होगा आपका। 1935 की धारा कौन सी होगी, इसमें धारा 42। ठीक है, 42। और वर्तमान में हम बात करें जो है, वर्तमान में ये शक्ति संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। आर्टिकल कौन से के अंतर्गत दी गई है, अब प्रेजेंट की हम बात करें तो 123 के, 1935 की धारा 42 में जो प्रेरित थी ये, और अब आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये शक्ति है किसके पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास, जो रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो बर्मा, जो अभी पहले बर्मा, अभी हम क्या बोलते हैं म्यांमार बोलते हैं ना, रंगून पहले बर्मा होता था, तो इसको जो है निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से पृथक मतलब अलग किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो यहाँ पर हम बात करें किसके अंतर्गत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने आपको बताया कि ये 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसके प्रावधानों द्वारा 1937 में, कब है? देखिए, एक्ट ये 1935 है, लेकिन 1937 के अंदर जो है हम बात करें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध के नाम के दो नए प्रांत बनाए गए, कौन कौन से, एक तो उड़ीसा और एक सिंध, इस नाम के दो नए प्रांत बनाए गए अलग। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या करोगे आप, 1 अक्टूबर 1937 को जो है क्या हुआ, इसी दिन जो है दिल्ली संघीय मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना, आपसे पूछ ले कब हुई थी, तो वो हुई थी 1937 में, और 1937 में ही जो है ये बर्मा को भारत से अलग किया गया, एक्ट 1935 है। ठीक है, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत की गई। तो इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते ही हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 था, इसके अंतर्गत जो है 1974 में,
एक्ट तो 1973 है, लेकिन हम बात करें 1974 के अंदर जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जो सर एलिजा इम्पे इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इम्पोर्टेंट हो जाता है नाम क्या था, जो पहले इसके चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, ठीक है, इम्पे, एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, समझ आ गया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर जो है हम बात करें चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो ये कौन सा अधिनियम था, ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के द्वारा जो वायसराय की परिषद में जो जो जितने भी मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ाई गई और परिषद के कार्यों का जो विस्तार कर दिया गया, मतलब उसको डाइवर्सिटी बड़े विस्तृत रूप में किया गया, इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त क्या था उसमें, नहीं था, मतदान का अधिकार नहीं था, सिर्फ क्या थी, चर्चा करने की शक्ति है उनको दी गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया और इस अधिनियम की क्या थी प्रमुख विशेषता भी थी, अप्रत्यक्ष क्या था निर्वाचन पद्धति। तो ये जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसके तहत बजट में चर्चा, सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, उनको जो है मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, संघात्मक जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कहाँ से ली है हमने ये संघात्मक जो व्यवस्था है, कनाडा से या फिर यूनाइटेड किंगडम से, अमेरिका से, या फिर किससे ली है, आयरलैंड से, नहीं, हमने किससे ली है, कनाडा से ली है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था हमने जो है ग्रहण की है कनाडा के संविधान से, और कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त होते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 पर जो है विधि बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है, ठीक है, किसको है, संसद को है, हमारी कानून बनाने का अधिकार है ना, और अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, और ये कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, मतलब जो राज्यपाल होता है राज्य के अंदर वो राष्ट्रपति किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु क्या करता है, रिजर्व करता है। तो ये भी हमने जो है कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। तो संघात्मक व्यवस्था समझ आ गई कहाँ से लिए हमने, कनाडा से लिए है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, हमने पढ़ लिया कि हमने ये अमेरिका से लिए, नीति निदेशक हमने आयरलैंड से लिए, ठीक है, आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते रहेंगे। अगला है ये सूची, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं HCS में या UPSC लेवल में, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, जैसे नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, तो इनको आपको जो है मिलान करना है कि इनके आगे जो है ये क्या सही है, क्या ये सही है, तो इसमें जो है ये आपका बी जो है ये आपका जो है इसमें राइट होगा। अब हम देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट हम बात करें जो इसी के अंतर्गत जो नियंत्रक मंडल है, जो नियंत्रक मंडल की जो स्थापना है वो जो किसमें है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर है, ठीक है, नियंत्रक और पर्यवेक्षक किस मंडल में आते हैं, ये आते हैं आपके इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप को क्या कर दिया था, राजनीतिक पॉलिटिकल और जो आपका जो व्यापारिक था उनको अलग अलग कर दिया गया था, और कंपनी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रण और प्रेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यों की जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी की थी। और यहीं पर हम बात करें जो आपका ये फर्स्ट का ये हो गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है हम बात करें, सेकंड की हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, ये किसमें
विनियम अधिनियम 1773 हमने किया था, क्योंकि 1774 में जो है कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना हुई, तो ये इसका राइट हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, ठीक है। तीसरी हम बात करें ईसाई मिशनरियों का, हम बात करें तो ये चार्टर अधिनियम 1813 में आता है। और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी, तो ये चार्टर अधिनियम किसके अंदर आता है, जो है 33 वाले में आता है। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और साथ में गवर्नर जनरल की जो परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले की उस टाइम पे नियुक्ति हुई थी, आपको ध्यान हो तो, लॉर्ड मेकाले की, ठीक है। तो ये इसमें राइट होगा आपका, बी इज द राइट। तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत आते हैं HCS में, या UPSC या UPPCS या MPPSI, जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट PCS होते हैं, RS होता है, उनमें सभी में, ठीक है। अगला है 1935 का जो अधिनियम है, द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं। 1935 का जो आपका अधिनियम है, ठीक है, इसके अंतर्गत 1935 के जो अधिनियम है इसके अंतर्गत हैं जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं, संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नरों को। तो ये गवर्नर जनरल को, किसको, गवर्नर जनरल को। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, बात किसकी हो रही है, अधिनियम 1935 की। 1935 द्वारा क्या है, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अब हम कहते हैं ना संघ सूची, राज्य सूची, अब बोलते हैं हम संघ सूची बोलते हैं, राज्य सूची बोलते हैं, और समवर्ती सूची। तो उस टाइम संघ, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां मतलब हम बात करें तो जो एक पावर की तरह दी गई थी उनको, विदेशी, प्रतिरक्षा, आपातकालीन, इमरजेंसी अधिकार किसको दे दिए यूज करने के लिए, ये दे दिए गवर्नर जनरल को, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला है भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का जो प्रथम प्रयास है किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये जो है हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय जो है 1892, 1909 या 1919, किसके अंतर जो है, इसमें हम बात करें जो प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को जो है समाविष्ट इसमें किया गया है, ठीक है। यहां तक आपको ये क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, भारतीय जो परिषद अधिनियम है 1861, कौन सा, 1861 का जो अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या है, वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित है, जिसमें इसमें कितने, चार सदस्य गृह, सैन्य, राजस्व और वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों के लिए भी एक पांचवें सदस्य की नियुक्ति की गई। उस टाइम पे तत्कालीन जो हम बात करें वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट विभाग आवंटित किया गया, ठीक है, अलग अलग। और उन्होंने, कैनिंग ने तीन भारतीय, एक जो बनारस का राजा था, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य नॉमिनेट कर लिया गया, मनोनीत किया गया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था, वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते थे, सिर्फ जो है एडवाइज, सलाह ले सकते थे इनसे बस। ये तीन भारतीयों को इसमें भी शामिल किया गया। तो भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का जो प्रथम प्रयास किस अधिनियम से हुआ, 1861, जो भारत परिषद अधिनियम है 1861 के द्वारा। तो ये हमारे जो है इसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी के अंदर भारत के संवैधानिक विकास में एक और लेक्चर लेऊंगा मैं, ठीक है। इसमें इसके जितने भी जो है 10-15 और क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, और कमेंट करके आपकी राय ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अभी तक यदि आपने लूसेंट नहीं पढ़ी है तो ज़रूर, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आपसे थोड़े ऊपर से जाएं, लेकिन ये आप लूसेंट या अरिहंत की कोई भी छोटी बुक पढ़ सकते हैं, तो उससे पहले, उसके बाद आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड करें, और रेटिंग करना भी ना भूलें इसको।
ठीक है। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, ठीक है, जीके बाय गोस्वामी सर से। और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं पीडीएफ के लिए, क्योंकि इन सभी नोट्स की जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ। टेलीग्राम पे आप @GOSWAMISir, ठीक है, ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टारगेट विद गोस्वामी। तो इससे भी आप जुड़ जाएं ताकि आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करना भी ना भूलें। थैंक यू।